हेलो। हाँ जी सर, गणेश जी बात कर रहे हैं। कौन भोक रहा है सर? तमीज नाम की चीज है आपके अंदर? अरे आप बोल रहे क्या? सॉरी, मैं समझा घर से कॉल आया। बोलिए, मैं ऐसे बोलता हूँ सर। सुधार लीजिए फिर अगर ऐसे बोलते हो तो। बोलिए बोलिए। ओके, कैसे बात कर रही सर? हाँ बोलिए ना। पेमेंट क्यों नहीं आया सर? 11 दिन से लेट हैं आप। 11 दिन से लेट है, पेमेंट नहीं आई अभी तक। कल एक ने बोला 10 दिन, आप बोलते 11 दिन। सिंपल सी बात है सर, कल 10 ही दिन होगा। पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हो ना? नहीं, लिखा पढ़ा हूँ। अच्छा बोलिए, तो पेमेंट कब होगा सर आपका? 25 दिन के बाद होगा। 25 दिन बाद डबल? 25 दिन के बाद? अच्छा, 25 दिन के बाद क्यों होगा, जान सकती हूँ मैं? 25 दिन के बाद ही पैसा आएगा ना। अच्छा क्यों? क्यों सर, 25 दिन के बाद क्यों आएगा? अभी उसको मालूम, 25 दिन के बाद जाएगा, 25 दिन में पैसा मिल जाएगा। लक्ष्मी चेंज फंड में डबल करने दिया था ना, वो सारा दिया ही नहीं पैसा, सारा बोलते 25 दिन के बाद दूंगा। अच्छा, पापा गोपाल, अनवी, अनबील, अनिल, कौन है सर ये सर? अरे क्या यार, कल से वही बोल रहे, पापा, अंकल, रिंको, ये है वो है। कल से एक ही बात, कल से एक ही बात, क्योंकि आप फ्रॉड कर रहे हो कस्टमर। अरे मैं फ्रॉड करो जो आप लोग फ्रॉड करो, देते तो 7 दिन के लिए लगाते तो 1000 रुपए इंटरेस्ट है। अरे बोल तो रहा हूँ, दूंगा करके। लिया फिर क्यों? लिया क्यों? क्योंकि कोई और तेरे को दे नहीं रहा होगा, तुमने कंपनी से ही ले लिया। तमीज से बात करो, तमीज से, मैं भी तमीज से बात कर रहा हूँ ना। तमीज देख लिया मैंने स्टार्टिंग में, खानदानी पेशा है तेरा। तेरा खानदानी पेशा है क्या? मुझे मत सिखा, तू मेरे को मत सिखा। मैंने देख लिया, मैंने भी देख लिया। हजम तो हो नहीं रही है, दिल्ली वाले सब ऐसे आरामी साले होते हैं, मेरे को पता रहेगा अभी। हाँ तो बस कुछ भी फोकट का मैं सब सुना हूँ ना, जिंदगी में सुनेगी नहीं, समझी? मेरे को मत सिखा, तो तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। नहीं लग रहा तेरे घर में है माँ बहन है तेरे घर में? क्या भोगरी? नहीं, अभी सुबह से तो घर पे नहीं गया ना मैं, उससे तो बोल रहा हूँ। नहीं नहीं है या नहीं है? अरे सुबह से घर पे नहीं गया, है नहीं है, वो देखा नहीं अभी, क्या पता घर पे है कि नहीं है। सुबह से घर भी नहीं गया ना, वो तो बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। ये स्वीटी कौन है? वो स्वीटी मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, और भी है सर अभी? वो तीनों नंबर उसका ही है स्वीटी का। नहीं नहीं, मेरे को स्वीटी पे कॉल ही नहीं करनी ना, मैं तो भाई बहुत सारे नंबर है यहाँ पे। अच्छा, 1103 नंबर है। अच्छा, 1103 नंबर फोन में सेव है। अच्छा, 1103 इतना नंबर तो मैं रखता ही कभी जिंदगी में सेव। अच्छा, अब तुम मेरे को सिखा रही है 131 में नंबर, इतना तो सेव में रखता ही नहीं, मेरे इतना नंबर है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 100 कॉन्टेक्ट हो गए तेरे पास, उतना ही है बस, बाकी तो है ही नहीं। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मैं इतना कॉल रखता ही नहीं, मैं कॉन्टेक्ट में इतना कॉल आई नहीं, हजार कॉन्टेक्ट बोल रही है। अच्छा, अरे ये की भूल रहा है कि रिफरेंस नंबर के भी तो हैक किया हुआ है ना। रिफरेंस नंबर को भी तो टैग किया हुआ है। अच्छा, रेफरेंस नंबर को भी टैग किया है। गुड गुड गुड। अगर मैं रिफरेंस नंबर को अगर सन्नी को कॉल लगा दूँ ना, तो उसके सारे कॉन्टेक्ट मेरी लिस्ट में आ जाते हैं। अच्छा, रेफरेंस वाले, मतलब रेफरेंस वाले के कॉन्टेक्ट भी है तेरे पास? सुन, जितना दिमाग तू लगा रहा है ना, लगा मत, क्योंकि अरे तू लगा मत, देती है। क्या लगता है मैं लोन लेने से पहले कॉन्टेक्ट रखूंगा मोबाइल के अंदर? अरे सब फेक भर के रखा है मैंने अंदर, उसके भी उसको भी बोला जिसका रेफरेंस नंबर, सब फेक कॉन्टेक्ट भर के रखा। मेरे को मालूम था तू ऐसे ही करेगी, उसके लिए मैंने फेक भर के रखा अंदर। पापा को लगा ले, रिंकू को कॉल लगा ले, सबका। मैं एक काम कर, नंबर दू क्या? मेरे को लगाना ही नहीं, एक ही नंबर काफी है। बोलेगा कौन सा नंबर? एक ही नंबर काफी है, वो तो एक नंबर काफी, तो वो तो तू भोकेगी नहीं। सुन, जो लैंग्वेज तू यूज कर रहा ना, अपनी माँ बहन के साथ करियो। कुत्ते के पेट से, कुतिया के पेट से जन्म लिया है क्या? अबे तू क्या बात कर रही है, एक ही नंबर मेरे को काफी है, तू कौन सा नंबर लगानी वाली? लगा ना। अच्छा से बोल, मैं गाने दे रही तुझे। तो तू क्यों भोग रही है इतना? तू किस चिल्ला के मतलब प्यार से बात कर रहा हूँ ना? साफ साफ लग रहा है, उसी के पेट से जन्म लिया है। इंसान किस लिए है? मम्मी के उससे लिया है पेट से जन्म? तूने जन्म लिया है? अरे तो ऐसे तो भोग रही है ना, अब तो वसूली करती है। वैसे तो ऐसे भोग रही है तू, वैसे तो बात कर रही है ना? बिल्कुल लिया है मैंने। हाँ फिर वैसे तो भोग रही है, कुत्ते की जैसा भाव भाव कर रही है। अरे ये तो देख ले, मेल है फीमेल है, तुझे तो इसी चीज की नॉलेज नहीं है। अरे तुझे तो नॉलेज है, 24 साल से बात करती, क्या बात करती है? वो खुद तो समझता है, खुद की तो इज्जत नहीं है, दूसरी की इज्जत निकलने चली। तेरे से ज्यादा नॉलेज है तभी कंपनी में। मालूम है, बहुत नॉलेज है, फिर वो रखा होगा ऐसे 200 रुपए देके रखा होगा सिर्फ बस। बट मुझे तो वो भी मिल रहा है, तुझे तो वो भी नहीं मिल रहा। 2000 मेरे पास, पर मैं 25 दिन के बाद दूंगा, 25 दिन के बाद डबल डबल। जितनी औकात है ना, उतना ही मुँह खोला कर, उतना ही मुँह खोला कर।
वो तो पता है, वो तो मुझे भी पता है, यहाँ पे पढ़े लिखे वो तो मालूम पड़ा ना, तू भी पढ़ी लिखी नहीं, तू भोकरी है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, तेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जा करना यार, रोका किसने? रिमाइंडर नहीं दे रही तुझे, मैं बता रही हूँ। सिटी को कॉल मत कर, बाकी किसी को भी कॉल कर। क्या? सिटी को कॉल मत कर, बाकी किसी को भी कर। अरे मुझे उसकी नीड ही नहीं है, मेरे पास बहुत कॉन्टेक्ट लिस्ट पड़े हैं तेरे, मुझे उसको क्यों कॉल करना? आप तो नाम तो बता ना, कॉन्टेक्ट पड़े कल से हुई बात, मत बता ना, फिर कर ना, आधा बता दिया ना। हाँ, आधा हाँ, देख हाँ, आधे पे कॉल जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कब कब कॉल गई है ना, हाँ, कब कल किससे बात की है उसके पास कॉल जाएगी। अच्छा, ये नहीं एक साल दो साल वाले पे नहीं जा रही कॉल। अच्छा, रेगुलर जिससे बात करता है ना, चाहे HR हो किसी से भी हो, कॉल करनी है। तो हमें कोई मतलब ही नहीं है भाई, तू कैसे भी जी रहा है, जी क्या हो रही है, तू कॉल तो कर ले पहले। अब HR को जाएगी, TL को जाएगी, जहाँ भी तू काम कर रहा है उसको जाएगी, रेगुलर बेसिस पे जिससे तू बात कर रहा है ना उससे करूंगी कॉल। अभी तक अब तू बस